देख रहे हैं आजाद सिपाही। आरक्षण पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का लोक मंथन में गंभीर बयान। देश ने आरक्षण दिया, आपने क्या दिया? बाबा साहेब ने आरक्षण 10 वर्ष के लिए चाहा था, अब तो ये श्रृंखला बन गई, कभी 10 तो कभी 20 साल। आजाद सिपाही खबर विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन रविवार को रांची में थी। लोक मंथन कार्यक्रम के समापन समारोह में वो मुख्य अतिथि थी। उन्होंने कार्यक्रम में आरक्षण पर गंभीर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश ने आपको आरक्षण दिया, आपने देश को क्या दिया? आप जरा सोचिए। लोकसभा अध्यक्ष का ये बयान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरक्षण पर संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक बहस चल रही है। अब खबर विस्तार से। रांची के खेलगांव में प्रज्ञा प्रवाह द्वारा आयोजित लोक मंथन का रविवार को समापन समारोह था। मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। अपने बेबाक अंदाज में बोलने के लिए जानी जाने वाली सुमित्रा महाजन ने आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश ने आपको आरक्षण दिया, आपने देश को क्या दिया? उन्होंने ये भी कहा कि ये आत्मचिंतन का विषय है कि देश ने जो आरक्षण दिया, उसका लाभ लेने के बाद आपने देश को क्या दिया? क्या आरक्षण लेने के बाद आपका ये कर्तव्य नहीं था कि जिस चीज को लेकर आप समाज में आगे बढ़े, उसे समाज में कितना बांटा? उन्होंने कहा कि जब हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तो उसमें वे भी आते हैं जिन्हें आरक्षण मिला, और वे भी जिन्हें आरक्षण नहीं मिला है। आरक्षण जिन्हें मिला और जिन्हें नहीं मिला, दोनों के लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो आरक्षण की विरोधी नहीं है। साथ ही सवालिया अंदाज में कहा कि आरक्षण मिला, कुछ बन गया तो समाज को कितना बांटा, साथ में समाज को लेकर आगे बढ़ने में कितना समय दिया। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के लिए, लोगों के लिए मैंने कितना किया, क्या आरक्षण की यही कल्पना है? उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था तो कहा था कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए चाहिए। इन 10 सालों में आरक्षण का लाभ देकर सामाजिक समरसता को कायम किया जाएगा। इसके पीछे बाबा साहेब की सामूहिक उत्थान की कल्पना थी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की कल्पना पर हमने क्या किया, आत्मचिंतन, सृजन, सामूहिक चिंतन में कहीं ना कहीं कम पड़े। हर 10वें साल में इसे 10 साल के लिए आगे बढ़ाते रहे। एक बार तो 20 साल के लिए एक बार ही आगे बढ़ा दिया गया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि क्या केवल आरक्षण देकर देश का उद्धार हो सकेगा? क्या समाज में परिवर्तन नहीं आना चाहिए? कभी ना कभी हमें इस पर सोचना पड़ेगा। हर किसी को इस पर सोचने का अधिकार है, ये उनका कर्तव्य भी है। उन्होंने सामूहिक भोज का उदाहरण देते हुए कहा कि सामूहिक भोज के नाम पर सभी जाति के लोग शामिल होते हैं। यदि आपने ब्राह्मण को अलग बैठाकर खिलाया, राजपूत को अलग बिठाया और अन्य जातियों को अलग, तो ये सामूहिक भोज कैसे रहा? यदि अलग अलग जाति के लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है, भोज का आनंद ही नहीं मिलेगा। आरक्षण का विचार भी सामूहिक भोज जैसा है। मुट्ठी भर लोग देश को कर रहे हैं कमजोर। रघुवर दास, कांग्रेस ने महापुरुषों का अपमान किया। राष्ट्र की मूल भावना को स्थापित करने में आदिवासी आगे, आज तोड़ने वाली शक्तियां ज्यादा सक्रिय। लोकमंथन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मुट्ठी भर लोग राष्ट्रवाद और भारत की मूल भावना को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश के महापुरुषों का अपमान किया है। वामपंथी इतिहासकारों ने भारत की छवि को गलत तरीके से रखने का काम किया है। लोक मंथन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि सभी धर्म एक जैसा है। हिंदू धर्म सभी धर्म की इज्जत करता है। हिंदू धर्म कभी ये नहीं कहता कि वो सबसे अच्छा है।
जबकि ईसाइयत और इस्लाम दावा करता है कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है। हम धरती को माँ कहते हैं। धरती के साथ माँ और बेटे का संबंध सिर्फ भारत में है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम को विस्तार देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का लोक जीवन नृत्य, गीत और संगीत से परिपूर्ण है। आदिवासियों का इतिहास हजारों साल पुराना है। देश को आगे समृद्ध करने में जनजाति समाज का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि समाज को तोड़ने वाली शक्तियां आज पहले से ज्यादा सक्रिय हैं। सारा समाज अपना है, ये भाव जगाना है। आदिवासियों को पहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया जाता था। हमने धर्मांतरण कानून बनाया। अब जबरन धर्मांतरण कराने पर 1,00,000 का जुर्माना और 4 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरना मसना स्थल की घेराबंदी कराई जा रही है। झारखंड में शिक्षा और रोजगार के लिए योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है। 3.5 साल में 32,00,000 युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा गया है। आदिम जनजाति को नौकरी में 2% का आरक्षण दिया जा रहा है। घर घर तक डाकिया योजना के तहत राशन पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय मंत्र से प्रेरणा लेकर झारखंड सरकार काम कर रही है। महिलाओं को मकान या जमीन 1 रुपए में रजिस्ट्री कराई जा रही है। अब तक 1,00,000 महिलाओं को इसका लाभ मिला है। युवा भारत निर्माण में आगे आए। मुख्यमंत्री ने नई पीढ़ी से अपील की कि वे भारत के निर्माण में आगे आए। कुछ लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। माँ भारती के प्रति कर्तव्य निभाना है। भारत को विश्व गुरु बनाने में पीएम मोदी के नेतृत्व में सारा देश कृत संकल्पित है। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि स्वामी विवेकानंद के सपने को पूरा करने का संकल्प लें। ये संकल्प लेना है कि कांग्रेस ने जिन महापुरुषों का अपमान किया है, उन्हें इतिहास में जगह दिलानी है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खबरों के पल पल के अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं आजाद सिपाही का वेबसाइट www.azadsipahi.com, और आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।